अभी जैसे ट्विन को और एक पांच सेंटर्स इमीडिएटली ओपन कर दिए एक 40-50 डेज में। ऑलरेडी वो जहीराबाद, संगारेड्डी, विकाराबाद, तांडूर, जिनचरला ऑलरेडी वो MLAs कंसर्न दिए और स्पेस भी दिए उधर, और एक 40-45 डेज में वो सेंटर्स भी ओपन करते हैं। और हर साल मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को ट्रेनिंग करके वो लोगों को जॉब एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करने का कोशिश करते हैं। ये 3 सालों में हमें कर दिखाते हैं, और CM साहब भी इसके ऊपर बहुत इंटरेस्ट दिखाए परसों बात करेंगे। डेफिनेटली मैक्सिमम लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने का कोशिश करते हैं सेटविन की तरफ से। बहुत खुशी की बात है, मेरे खास दोस्त तेलंगाना के सीनियर लीडर, बहुत सालों से जहीराबाद एरिया में कांग्रेस पार्टी मजबूत करने के लिए काम करने, अपना गिरिधर रेड्डी साहब आज सेटविन के चेयरमैन बन रहे हैं। इस संदर्भ पे हमारे हेल्थ मिनिस्टर सीनियर लीडर दामोदर जी भी यहाँ रहना बहुत खुशी की बात है। मैं और दामोदर जी अपनी पूरी कोशिश रहेगी कि गिरिधर रेड्डी की चेयरमैनशिप पे सेटविन को स्ट्रेंथन करना है, सेटविन को एक्टिविटीज़ और भी वाइड स्प्रेड करना है। इस दिशा में, इस ऑब्जेक्टिव के साथ हम गिरिधर के साथ रहेंगे, और मुझे कोई शक नहीं है कि गिरिधर की चेयरमैनशिप पे सेटविन और मजबूत होंगे और हजारों अनएम्प्लॉयड यूथ को स्किल ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग में देके उनको आगे ले जाएंगे। मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं गिरिधर रेड्डी साहब के साथ, आप सबके साथ। ये सेटविन का बहुत बड़ा इतिहास है, ये सेटविन का बहुत बड़ा इतिहास है, कम से कम 50 साल का इतिहास है सेटविन का। उस जमाने में चन्ना रेड्डी साहब इसको शुरू करे सो है। हमारे जो सिकंदराबाद हैदराबाद के नौजवान पढ़े लिखे लोग हैं, उन लोगों को तालीम देना है, स्किल डेवलपमेंट में तालीम देना है, इसलिए ये सेटविन ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करे सो है। आज हमारे गिरिधर भाई को मैं मुबारकबाद कहना चाहता हूँ कि आगे हज़ारों नौजवानों को ये स्किल डेवलपमेंट में उनकी पूरी मदद रहेंगी, ये सेटविन की मदद रहेंगी, और उनकी ज़िंदगी अभी आगे साफ चलेंगी। मुबारक गिरिधर भाई।